सो वेलकम हर्ष, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है एक्चुअली. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू गाइस, मुझे हर्ष के बारे में थोड़ा सा बता देना. मेरा खुद का बहुत अच्छा दोस्त है कॉलेज में से. ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक पर्सन दैट आई हैव केम अक्रॉस, ठीक है? तो ट्रस्ट मी गाइस, ये बंदा अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो आपको इसको फॉलो करना ही है, ठीक है? बिकॉज इट विल शेप योर करियर, राइट? एंड ही इज टेलिंग गोइंग टू टेल यू फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, राइट? सो हर्ष, ये इंटरव्यू चालू करूंगा मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के, कि मुझे आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो आपके करियर के बिगिनिंग के बारे में, यस कि यस आपने चालू कैसे किया. यार, गुड इवनिंग आकाश। मतलब ये इंट्रोडक्शन सुन के मुझे ही ऐसा लग रहा है यार, मैं मेरी शादी के बारे में किसी को पिच कर रहा हूँ, है ना? तो बहुत अच्छी है, बट आई थिंक जस्ट एक और एक चीज बताना चाहूंगा। आई थिंक आकाश और मेरी दोस्ती आजकल आज लगभग 10 साल हो चुके हैं, है ना? 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम एक दूसरे की जर्नी को जानते हैं, एक दूसरे की स्ट्रगल को जानते हैं। बट और एक काफी एक अच्छा, ये क्या कह सकते हैं हम, जिस तरह से एक 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 स्टेप उठाया है। यू हैव टेकन अ वेरी बिग गुड स्टेप टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, बिकॉज हम उस टाइम पे जब थे, जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग जब कर रहे थे या 12th में थे, तो काफी सारे क्वेश्चन हमारे दिल में रहते थे, और शायद हमारे पास एक सही मीडिया नहीं था उसको डिस्कस करने का। और मैं बहुत शायद मेरे और तेरे जैसे लोग लकी भी नहीं है कि हमारे पास अच्छे दोस्त हो क्योंकि एक दूसरे को जो सही डायरेक्शन में लेके जाए। बट यस, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। तो बेसिकली मैं 1992 बॉर्न बर्थ है मेरा, आई वॉज बॉर्न इन मुंबई। तो वैसे मैं रहने के लिए डोंबिवली में रहता हूँ, बट आई हैव बिकॉज ऑफ माई डैड्स प्रोफाइल, मैं और भी कुछ स्टेट्स या सिटीज में ब्रीफ पीरियड के लिए रह चुका हूँ, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ माई लाइफ हैज बीन इन डोंबिवली। तो काफी, यानी एक एक एजुकेटेड टाउन है, कल्चरल टाउन है ये, और मुंबई से काफी अटैच्ड है। सो काफी मुंबई का कल्चर और स्पिरिट भी बचपन से रही है। स्कूलिंग मैंने यहाँ पे करी, कॉलेज 11th 12th साइंस में मैंने लिया, फिर मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट आउट किया। इंजीनियरिंग, यू नो, मैंने जैसे आकाश के साथ 10 साल पहले हमने वो जर्नी साथ में स्टार्ट करी थी, और उसके बाद मैंने ब्रीफली काम किया थोड़े टाइम, कुछ महीनों के लिए एमबीए किया। फिर मैंने सिडनम कॉलेज से 2017 में मैं पास आउट हुआ, और तुरंत कैंपस से प्लेसमेंट होके मैं प्रोक्योरमेंट कंसल्टिंग, ये फील्ड में मैंने अपना करियर दोबारा से स्टार्ट किया आफ्टर एमबीए। और आज मुझे लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं आई एम वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। That's a very brief and short introduction about yourself. Now, मेरा पहला question ये है कि हर्ष, engineering में जब भी आप engineering कर रहे थे, तो what were your challenges, या फिर as a student आप कैसे थे? बहुत पढ़ाई करते थे, या फिर यार बाकी student जैसा last जब भी exam आएगा तभी पढ़ाई करेंगे, या फिर कुछ और था, या फिर balance था जैसे भी? नहीं, ये हमारा आई थिंक इंजीनियरिंग का जो डेज रहते हैं बहुत ही, आई थिंक इट्स 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 ऑलवेज अ मिक्स फीलिंग। एक कहीं ना कहीं जैसे वो फेज वाइज होता है, आप जब एंटर करते हो तो काफी दिल में, बोलते हैं ना, कि धक धक होती है, एनजाइटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। मैं ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 11th 12th जो था काफी दबंगई लाइफ जी है मैंने। मतलब बिफोर मीटिंग यू, यू नो, एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मतलब काफी मस्ती करी। मेरा काफी बड़ा ग्रुप था यहाँ पे डोंबिवली में, और आई थिंक फ्रेंड सर्कल बहुत था, तो काफी मस्ती करी। और वो फेज भी था, जस्ट 18 हुए, 17 18 की एज, तो काफी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना था। बट जैसे ही इंजीनियरिंग आया, आई थिंक वो एडमिशन हुआ, सब सेट हुआ, फर्स्ट डे कॉलेज में स्टेप इन किया, तो एक अचानक से एक ऐसा एनवायरमेंट आ गया कि यार, यू नो, दिस इज समथिंग सीरियस। अब इसको कैसे हम लें, क्या करें, क्या, एंड आई थिंक एंजाइटी बहुत रहती है, टाइम बहुत कम रहता है, बिकॉज अब अगस्त में आप स्टार्ट करते हो, अगस्त के आसपास आपका स्टार्ट करते हो, और नवंबर में एग्जाम होती है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में इमीडिएटली 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो एक बहुत वो ट्रांजिशन करना आपके 12th के वेकेशन में, विच वॉज परहैप्स योर लार्जेस्ट वेकेशन। अभी के बच्चे लकी हैं, पैंडेमिक वजह से उनका वेकेशन बढ़ गया है, बट उस वेकेशन के बाद इमीडिएटली स्टडीज करना, और मोटी मोटी बुक्स होती थी यार, यू रिमेम्बर यार, मतलब वो मैकेनिक्स की बुक, बीडब्ल्यू की बुक, सीपी के बुक, तो काफी एक शौक था। एज अ स्टूडेंट मैं वो शौक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं मिस आउट हो जाऊं, मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं टॉपर बनूं, बट आई डेंट वॉन्टेड टू गेट अ केटी, या फिर मैं पीछे रह जाऊं, या फिर मेरा बेस खराब हो जाए। आई थिंक लोगों ने मुझे ये बताया कि तुम्हारा बेस नहीं खराब होना चाहिए, तो मैं क्या करता था, आई थिंक वो पूरा टाइम मैंने कोई अपने आप को एक एक अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा शट किया, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आई थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, इंजीनियरिंग समझने लग गया, तो आई थिंक फिर मैंने
कुछ अदर एक्टिविटीज पे भी धीरे धीरे फोकस करना चालू किया. और आई थिंक फ्रेंड्स और अपना कल्चरल लाइफ भी जो होती है इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो मेमोरीज जो क्रिएट होती है, वो थोड़ी थोड़ी बाद में स्टार्ट करी. बट आई थिंक फर्स्ट 6 to 8 months, हाफ ऑफ सेकेंड सेमेस्टर तक, आई थिंक पूरा फोकस पढ़ाई पे था. और वहीं पे हमारी भी मुलाकात हुई लाइब्रेरी. आई थिंक लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम स्पेंड किया फिर मैंने. डेफिनेटली. और हर्ष, मुझे एक चीज पता है कि तू स्टडीज में तो अच्छा था ही. एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर यू आर ऑलवेज और मोस्टली आई थिंक इन द टॉप 10 और टॉप 5, राइट? अनलाइक मी का नंबर पीछे से था. बट आई सॉ दैट यू वर मैनेजिंग योर स्टडीज एज वेल एज यू आर डूइंग सर्टेन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, राइट? मतलब कॉलेज में का जो हमारा श्री यूथ फेस्टिवल था, या फिर जो बाकी के फेस्टिवल जो कॉलेज का पहला टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, राइट? उसमें भी तूने, आई वुड से यू वर लीडिंग दैट एंटायर पर्टिकुलर पार्ट, राइट? सो यार, ये कैसे टाइम कैसे मैनेज होता था कि, या फिर तूने ऑलरेडी स्टडीज में इतना ब्राइट था कि यार ये तो सब हो ही जाता था, या फिर तेरे को लगता है कि यार सब हर एक बच्चा ऐसा कर सकता? हर एक बच्चा डेफिनेटली ऐसा आकर्ष कर सकता है और लोग करते भी हैं. आई थिंक तूने भी किया है, कई लोगों ने और भी किया है. तो आई थिंक सबका बेसिकली क्या होता है कि आपको अपनी अपने अगर आपने टाइम टेबल के जैसे जो बात करते हैं, हम यूजुअली है ना, हम टाइम को मैनेज करने जाते हैं. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट फंडा है थोड़ा, ये जो मैं इंजीनियरिंग में मैं नहीं सीखा, बट आई थिंक हमारे पास मैनेजमेंट में मैंने सीखा. हमारे पास टाइम जो है ना वो 24 आवर्स ही है. सो वो कभी चेंज नहीं होने वाला है. एनी डे यू पिक ऑफ एन ईयर, वो 24 आवर्स ही रहने वाला है. नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू डू इन दैट 24 आवर्स. सो टाइम मैनेजमेंट उसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एफर्ट या एनर्जी मैनेजमेंट. बिकॉज जैसा टाइम लिमिटेड है, वैसे आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है. अगर आप सुबह उठते हो तो यू नो दैट आपके पास 10 घंटे का टाइम है, और एंड ऑफ द डे शाम को 7-8 बजे आप थक जाने वाले हो. यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन. तो टाइम का तो सबको बचपन से पता रहता है कि 24 घंटे हैं मेरे पास, ये है वो है, वो सब प्लान रहता है. बट एनर्जी जो है ना, हम वो हमेशा भूल जाते हैं कि यार वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हमको उसको वाइजली यूज करना है. तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं. इसी में कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी का. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यार जब फर्स्ट ईयर था, प्रायोरिटी क्या थी, केटी नहीं लगना चाहिए. आई थिंक मैं अगर लिटरली टर्म्स में बोलूँ, फर्स्ट ईयर वॉज 0 केटी, यही मेरा टारगेट था. यानी एक चीज ऑब्जेक्टिव वही था. तो कोई आप एक्टिविटी नहीं करोगे, कोई आप काउंसिल या कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा चीज नहीं करोगे जो आपको एनर्जी आपकी कंज्यूम करेगी. सेकेंड ईयर में आया, प्रायोरिटी क्या हो गई, यार विजिबिलिटी होनी चाहिए कॉलेज में, कुछ और सीखना है, कुछ नया कुछ करना है, कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, कुछ प्राइज बनना है. अच्छा, एक दो तो ऐसे भी है, हम दोनों ने ऐसा सोचा कि कहीं कॉम्पिटिशन में जाते हैं, पैसे कमाते हैं यार थोड़ा, थोड़ा मूवी वगैरह जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे. बिकॉज कॉम्पिटिशन में इसलिए भी पार्ट लेते थे हम, क्योंकि थोड़ा पैसे मिल सकते थे, ठीक है, प्राइज मनी मिलती थी, और लड़कियां भी इम्प्रेस हो सकती हैं, ऐसा भी हमने सोचा. तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, हमारी विजिबिलिटी बढ़ाना हमको बहुत जरूरी था. तो मेरा यही सजेशन है, आई थिंक कोई भी कर सकता है. हमको डिफाइन ये करना होगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से आप 3 महीने का या 6 महीने का पीरियड डिफाइन करो, आज से लेकर 3 मंथ्स. एंड ये डिसाइड करो कि आप एनर्जी किस में इन्वेस्ट करोगे. आपको पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई करो. अगर आपको करना है कि नहीं मुझे कोई कंपटीशन में पार्ट करना है, मुझे इधर उधर प्राइज मनी जीतनी है, तो आप पढ़ाई को थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हो. नेवर एवर मेरे दिमाग में ऐसा था कंसिस्टेंटली कि मुझे टॉप आना है, मुझे ये जीतना है. इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन. और आपको 3-4 महीने पहले, लॉन्ग टर्म भी गोल से फायदा नहीं है, 3-4 महीने डिसाइड करो और उस पर जंप कर लो. Exactly. We are very used to, you know, meeting our short-term goals rather than, you know, planning for long-term. Always we need to have a vision कि हाँ मुझे ये ऐसा करना है, probably मुझे अच्छा student बनना है, या फिर बिना KTK में कोई engineering clear करना है, ये long-term goal हो सकता है. But हर चीज को short-term में थोड़ा-थोड़ा देख के करना चाहिए, right? Yes. That was a very good advice from you. One more question that I would like to ask is कि बहुत सारे students ना मुझे बोलते हैं जो engineering just start करते हैं, या फिर जो already second year third में, बोलते कि सर मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ करना ही नहीं, कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे सिर्फ स्टडीज करना है, या फिर वो करूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा. मुझे पता है यार हर्ष, तू इतना ज्यादा बहुत सारी चीज में इन्वॉल्व था, राइट? यू आर इन्वॉल्व इन दी एपिसाइकल, यू आर इन्वॉल्व इन वेरियस अदर एक्टिविटीज दैट द कॉलेज वाज ऑर्गेनाइजिंग, एंड बहुत सारी चीजों का तो तूने खुद ने इनिशिएटिव लिया था. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच यू गॉट द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एंड ऑफ आवर इंजीनियरिंग, राइट? So, मुझे ये बताओ कि ये स्टूडेंट्स को आप क्या बोलोगे कि यार अगर आप बाकी के एक्टिविटीज करोगे, राइट, तो उससे उनका फायदा क्या होने वाला है? स्टडीज के लिए तो टाइम कम हो जाएगा, राइट? राइट, तो यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी बढ़ाने से उनको क्या स्किल या फिर क्या फायदा होने वाला है?
नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे कुछ लोगों के चेहरे याद आ गए जो जिन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग शायद हमारे साथ ऐसे ही निकाली, तो काफी फनी आई थिंक व्हेन यू आर सेइंग दिस, कुछ चेहरे याद आए। ऐसा नहीं है कि जो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत है। आई थिंक वो प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे जो सोसाइटी है वो आई थिंक उसका सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है, स्कूलिंग जो हमारी ऐसी होती है, हम लोग किसी को सुपरस्टार बना सकते हैं और किसी को रोड पे भी लेके आ सकते हैं। आई थिंक वो जो फिलोसफी है हमारी कि आप सड़क से उठा के किसी को स्टार बनाओ और स्टार बनने के बाद किसी दिन उसको गिरा भी दो, तो वो जो चीज है ना, आई थिंक वो लोगों के दिल में बहुत जोर जोर से पड़ी हुई है। एग्जाम ऐसी चीज है ना जो आप अकेले देते हो, एग्जाम की जो चीज है, जो एग्जाम आप देते हो ना, आई थिंक इंजीनियरिंग में व्हेन यू गिव एन एग्जाम वाइवा, आप सब अकेले देते हो। इफ यू रिमेम्बर टिल सेवन सेमेस्टर नोबडी नोज वॉट यू स्पोक इन अ वाइवा, बहुत रेयरली ग्रुप वाइवास भी होते थे, प्रैक्टिकल्स भी आप अकेले अकेले ऑलमोस्ट, या आपका दो तीन जन का ग्रुप होता था आप वो कर लेते थे। तो लोग क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज उनके इसमें ना वो फेलियर का थोड़ा सा फियर हो जाता है, फियर फियर ऑफ फेलिंग, यू नो। और जो इसके पूरे अपोजिट होते हैं ना वो लोग फोमो टाइप के होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये दो टाइप के लोग हमेशा हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में देखेंगे, जो तो पहले वाले जो टाइप बता रहे हैं जो थोड़े से नर्ड गीक टाइप के होते हैं, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, उनको क्या, उनको ये हो गया है कि आई थिंक दिस इज द ओनली वे आई कैन एक्चुअली शाइन एंड सी माई सेल्फ इन अ बेटर फ्यूचर। इट इज वेरी सैड दैट ओनली आफ्टर सर्टन ईयर्स दे रियलाइज ओके दैट वॉज अ मिस्टेक, एंड उसकी प्राइस भी काफी हैवी होती है, उसकी प्राइस काफी हैवी चुकानी पड़ती है। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है, जस्ट आस्क योर सेल्फ, यू नो, कि 5-6 साल के बाद, यू नो, वेन यू आप किसी को एक फ्राइडे नाइट है या इवनिंग है, मतलब एक पूरा वीकेंड है, आप कैसे आदमी के साथ एक वीकेंड स्पेंड करना चाहोगे? जैसे यार मैं अगर कुछ बोलूंगा ही नहीं, कोई मेरे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है, मैं अगर अगर मैं बियर बियर पीने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, या फिर मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, या फिर मैं कोई गार्डन में एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और हमारे ऐसे रैंडम कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट कि यार मैं यहाँ से रॉकेट लॉन्च करूंगा तो मून पे कब पहुंचेगा, ये मेरा कॉन्वर्सेशन हमेशा रहेगा तो बोर हो जाएगा। आप ये सोचो कि 5 years 6 years डाउन द लाइन आपका आप किस आदमी के साथ कन्वर्सेशन करना चाहोगे, और अगर आप वैसे ही आदमी बन रहे हो, सो यू शुड टेक अ पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट, इज दैट गुड और बैड। सो दैट्स एन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। द सेकंड पार्ट इज अ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी पार्ट ऑफ इट, जो हम बहुत लोग बहुत सारे वीडियोज में मोटिवेशनल स्पीकर जो पर्सनैलिटी के बारे में बोलते हैं, बट मैं उसको किस तरह से देखता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने का एज है वो, आई थिंक एक्सपेरिमेंट करने का वो टाइम है। तब क्या होता है कि तब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो ना, तो आप कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दूसरा वापस जाके आपको एटलीस्ट कोई तो वापस स्टेज पे बुलाएगा। बड़े होने के बाद आई थिंक 25 प्लस, व्हेन आई से बड़े होने के बाद मतलब ऐसा नहीं कि बुड्ढे होने का, 25 प्लस, इसका रिपरकशंस बहुत हार्ड होता है। लेट्स से इफ यू आर नॉट गिवन अ पेपर प्रेजेंटेशन, आपने कभी पेपर प्रेजेंटेशन दिया नहीं, तो आप कभी स्टेज पे गए नहीं, तो आपको जब कभी क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने की बारी आएगी आफ्टर 25 टू इयर्स 3 इयर्स इन योर करियर और आप फेल हो गए, यू माइट लूज अ जॉब। वहां पे आपको सिर्फ प्राइज नहीं मिलेगा, या आपके बोलेंगे तुझे तो बोलने नहीं आता, आगे जाके इसका रिपरकशंस बहुत हार्ड है। और तीसरी बात ऐसी है, मेमोरीज यार, आई थिंक आज की डेट में भी आकाश, वेन एवर वी मीट, एक बार तो हमारे कॉलेज डेज हमको जरूर याद आते हैं। एग्जैक्टली अगर हम सिर्फ लाइब्रेरी में बैठते हैं, लाइब्रेरी में बोलते ही नहीं है, तो मेमोरीज क्या बनेगी? मुझे पता था मेमोरीज बनाने के लिए फाइनल सेमेस्टर में तूने मुझे बोला था मत जा, याद है कहाँ पे, मतलब कॉलेज का ये राइट ट्रिप जा रहा था, एंड आई वाज लाइक मुझे 2 KTs थी, एंड नहीं फिर भी मैं जाएगा, बिकॉज़ यू नो गेटिंग टाइम टू स्पेंड विद माय फ्रेंड्स एंड यू नो एबल टू क्रिएट सर्टेन मेमोरीज, एंड ट्रस्ट मी वहां पे जो भी हुआ उस चीज के लिए आज भी लोग मुझे याद। अच्छा हो गया तूने मेरी बात नहीं सुनी, आई थिंक मैं ऐसा मैंने मिस कर लिया था एक एक आईवी, तो अब मुझे बहुत ऐसा अफसोस हो रहा है। तो यही पार्ट है, मैंने क्या सोचा यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना बोझ नहीं होना चाहिए। इट इज इफ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लोर, यू नो, नेविगेट और इवन एक्सपेरिमेंट विथ योर ओन सेल्फ। इट डू नॉट हैव टू गो एंड डांस, यू डू नॉट हैव टू गो एंड सिंग, बट यू वेरी सिमिलर, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो गो फॉर टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन और गो फॉर एन कॉम्पिटिशन वेयर आई थिंक योर लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स और योर मैथमेटिकल स्किल्स इज रिक्वायर्ड। को करिकुलर पे ध्यान दो रादर देन एक्स्ट्रा करिकुलर, ओके, सो योर कॉन्फिडेंस विल बी मेंटेन एंड यू स्टिल गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला आपने यार,
co-curricular rather than focusing on extracurricular. This is a very interesting and important term. Now, co-curricular से मुझे याद आता है कि तूने भी एक co-curricular activity किया था. You were the leader of epicycle team, right? तो वो जो इवेंट हुआ लाइफ में एपिसाइकल की टीम का, उसमें से मुझे पता है वो जब भी चल रहा था प्रोसेस, यू आर हैंडलिंग बंच ऑफ पीपल हु आर यू नो फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, आई नो दैट, ठीक है, बिकॉज़ दे वर कैटेगरी ए, आई वुड से, जो तूने थोड़ी देर पहले बोला, एंड देयर आर आल्सो सर्टेन पीपल हु आर ऑफ कैटेगरी बी, मतलब दे आर रेडी टू वर्क एंड कोऑपरेटिव है और काम करना इजी होता है उनके साथ. तो यार तेरा एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तूने वहां पे सीखी राइट एज अ लीडर, which you are seeing कि यार आज इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है उसका, इतना ज़्यादा benefit हो रहा है, क्या कैसा था experience? यार मतलब मैं तेरी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करूंगा. एक्चुअली एफिसाइकल जो था वो एक इवेंट, ये बहुत अच्छा इवेंट है, आई थिंक जो लोग देख रहे हैं वो लोग ने जरूर देखना चाहिए कि एफिसाइकल क्या था. आज भी शायद वो चल रहा है. ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफी ये एक्टिविटीज होती है जहाँ पे आपको कुछ एक व्हीकल बनानी है और जहाँ पे जाके उसको प्रेजेंट करना है, चलाना है, काफी टेस्ट होते हैं. तो आप अलग स्टेट में जाके उसको प्रेजेंट करते हो, तो वो भी अच्छा चैलेंज है. बट मैं एक जरूर करेक्ट करना चाहूंगा, आई वॉज नॉट लीडिंग दैट टीम. बिकॉज हमारा एक ऐसा ही एक थोड़ा सा नर्डी बंदा था, उसका नाम था गोविंद, काफी अच्छा दोस्त है हम दोनों का, अपने बैच का, पर उसने लीड किया. और उसी में ये जो हमने जस्ट 5 मिनट पहले बात करी ना, उसका भी ऐसे ही बस फिलोसफी थी, यार हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने से सक्सेसफुल हो जाएंगे. बट उसका जो बीज जो था ना, आई थिंक दैट सीड ऑफ दैट पर्टिकुलर, यू नो, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर एंड आई वॉन्ट टू लीड पीपल, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, जबकि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी तभी, और अचानक से वो क्वालिटीज आई हमारे जैसे टीम को लीड करने के लिए. वो आई एक पहले वाले इवेंट में जो था अपना स्टिमुलस. और उस इवेंट को डेफिनेटली तू जानता है कि वो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था हमारे सबके लाइफ के लिए, और एक एक तरह से गेम चेंजर था हमारे पूरे इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के लिए. तो वो मैंने लीड किया था, और वो लीड करने का भी मैं तुझे बताऊं कि आई थिंक उसमें ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस आए थे कि हमारे को हर एक टाइप के, इनफैक्ट सीनियर्स भी थे, हम थर्ड ईयर में थे तभी, और सीनियर्स लोग भी थे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले. तो वो यार उनका ईगो ना हर्ट करके उनको लीड करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था. इसको कैसे किया, अब इसको कैसे किया, पहली बात तो यार सबसे अच्छा तभी वो पॉसिबल हो सकता है कि जब तेरे जैसे, गोविंद जैसे, या और जो 100 अपने फ्रेंड्स थे, अपना पूरा एक ग्रुप बन गया था, वो एक सेम विजन शेयर करें. अब वो विजन शेयर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है कि आई थिंक तुमको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तुमको पूछना पड़ता है, आकाश यार तू क्या चाहता है, तू खुश है तेरे इंजीनियरिंग लाइफ से, तू चाहेगा कि हमारे कॉलेज में 1000 लोग आए और हम लोग उनको 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 एंगेज रखें, हम लोग कुछ कॉम्पिटिशन रखें या ऐसा करें, कुछ चेंज तू चाहता है कि नहीं चाहता. और जवाब अगर यस आया तो वो मैं पॉइंट यूज करके एक विजन क्रिएट करता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कुछ बोलूंगा यू आर एबल टू रिलेट टू इट. तो वो सबसे बड़ा एक लर्निंग था कि आई थिंक अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू यू नो इवन इन फ्यूचर व्हेन यू आर 30-35 एंड यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, तो आपको एक विजन शेयर करना होगा उनके साथ. तो उसके लिए आपको अच्छे लोग चाहिए, मेहनती लोग चाहिए. इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग काम नहीं करते आप उनको इग्नोर करो या उनको भूल जाओ या आपसे जिनकी जमती नहीं है. बहुत लोग को मैंने देखा है कि टीम में जब आप काम करते हो, को-करिकुलर एक्टिविटीज करते टाइम, यू डू नॉट गेट अलॉन्ग विद दोस पीपल, बट यू स्टिल नीड देम. You need horses, you need donkeys. अगर सारे घोड़े रहेंगे तो आगे निकल जाओगे और कुछ हो नहीं पाएगा. आई थिंक इफ एवरीबडी इज रनिंग द रेस, नोबडी विल बी एबल टू टेक अ पॉज एंड टेक अ पिक. यू ऑल्सो नीड डोंकीज. नॉट डोंकीज इज अ वेरी डेरोगेटरी टर्म, इसका आप गलत मतलब मत निकालना. यार डोंकीज मतलब यार डोंकीज आर बेसिकली हु प्रेफर हार्ड वर्किंग देन स्मार्ट वर्किंग, एंड बेसिकली बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इन दैट फेस. Exactly. They are trying to become horses, so they are experimenting. So what they will do is they have the intent, they have the willpower, they have the energy, they have the dedication, but they do not have the you know capacity or capability to think beyond a certain task. तो ऐसे भी आपको लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करेंगे. तो वो एक दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग थी. तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था यार कि आपको है ना एक तरह से कम्युनिकेशन जो है ना, आपका जो भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रखना पड़ता है. आई थिंक इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू कम टू मी विद अ प्रॉब्लम, और मैं अगर ऐसा बोलूँ यार अरे तू क्या मुझे पास प्रॉब्लम लेके आया, मेरे पास ही 10 तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, मैं तेरा नहीं सुनूंगा, आई थिंक वो कम्युनिकेशन चीज सबका सुन के लेना, अपनी बात भी सुनवा के लेना, अपनी बात भी मनवा के लेना, आई थिंक वो जो उसको हम आगे जाके नेगोशिएशन और पर्सुएशन स्किल्स जो बोलते हैं वो डेवलप करना बहुत जरूरी था. अच्छा हमने गुफअप भी बहुत किया आकाश, यू ऑल्सो नो इट, हमने झगड़ा भी बहुत किया उसमें, हाथापाई तक जाने तक भी सिचुएशंस हुई है, और हमने हमारे प्रोफेसर्स के साथ भी झगड़ा किया उसमें कितने बार. बट अल्टीमेटली व्हेन द रिजल्ट इज गुड
एवरीवन ऑन द लास्ट डे सैट टुगेदर, पार्टी टुगेदर, पावाजी थी या जो भी था, हमने सबने साथ में मिलके खाया है और धमाल भी साथ में किया, फोटो भी साथ में खिंचवाया। शायद ही कोई ऐसा मोमेंट होगा अपने कॉलेज में जहाँ पे 150 या 200 लोगों ने एक साथ फोटो खिंचवाई होगी, ठीक है। तो आई थिंक वो एक लेसन मेरे को हमेशा यूजफुल रहेगा। यू आर ट्राइंग टू से कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन वॉज अ टीम वर्क, राइट, वर्किंग विद हॉर्सेस एज वेल एज डॉकीज, राइट, एंड एबल टू यू नो कोऑपरेट विद एवरीवन, राइट। यू मे डिसएग्री विद ऑन सर्टेन पॉइंट, कुछ शायद अग्री करोगे नहीं करोगे, झगड़ा भी हो जाएगा, बट अल्टीमेटली रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट स्किल अगर यू नो ये सारे प्रोसेस में जो मैंने सीखी है एंड गेस उन्हें भी सीखी रहेगी, वो थी कम्युनिकेशन। Yes. मुझे पता है कि मेरा पहला जॉब इसलिए क्रैक हो पाया बिकॉज मुझे बोलना आता है, बस नथिंग एल्स, राइट। एंड जब मुझे याद है तूने बोला था इंटरव्यू नेक्स्ट दिन था, कॉलेज में कंपनी आने वाली थी, एंड आई वाज लाइक मेरे को तो लेने ही वाली नहीं है मैं क्यों प्रिपेयर करूं, मैंने फाइल भी नहीं खरीदी जिसमें हम लोग रिजल्ट वो सब डालते हैं। आई वाज कॉन्फिडेंट यार लेने वाले नहीं, बट देन यू टोल्ड मी अरे आकाश सेल्स का जॉब है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, देन दे विल टेक यू। आई वॉज लाइक ठीक है यार इसमें तो मेरे को लेना ही है, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट यू वोंट बिलीव। मैं मुझे जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले से ही मुझे पता था कि ये जॉब मुझे लग चुका है करके, ठीक है, बाकी लोग को लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, मुझे लग चुका था। ऑल्दो इट वॉज अ सेल्स का जॉब, बट आई वो हैड अ मेंटालिटी कि यार कहीं ना कहीं पे वो फ्रेशर का स्टैम्प निकल जाना चाहिए, वंस दैट इज गॉन, वंस यू आर इन टू द इंडस्ट्री पूरा नेटवर्क बन जाएगा, देन वी कैन यू नो स्विच एंड चेंज एंड यू नो मॉडिफाई थिंग्स, राइट। सो कमिंग टू द जॉब पर्सपेक्टिव का पार्ट, यार मुझे पता है अपने कॉलेज में जीवी आचार्य में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु वाज हैविंग अ गुड प्रोस्पेक्ट अबाउट जॉब वाज यू, बिकॉज़ वो एक ऐसा बंदा था जिसको कॉलेज के कैंपस में भी प्लेसमेंट लग गया था, यू आर वन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, राइट, और तुझे ऑफ कैंपस में टीसीएस में भी लग गया यार, एक मैकेनिकल बंदे को टीसीएस में जॉब कैसे लगता है, अरे इस बारे में जरा बता मुझे। और मैं ना जस्ट आकाश, क्योंकि मेरे को अगेन जब तूने ये बताया कि तेरे वो जॉब का इंटरव्यू का दिन, वो मुझे अभी भी बहुत फ्रेश याद है। और एक चीज जो है ना यार, मैं अपने अपने आप को पहले अगर बता सकता तो मैं जरूर बताता। अगर मैं 5-6 साल अगर मैं पहले टाइम मशीन में जा सकता था उस दिन, वो लेसन मैंने तेरे से सीखा है एक्चुअली, कि ना कि हम काफी है ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे बहुत बिलीव करते, ये थोड़ी हमारी ये जो है ना थोड़ी टेंडेंसी हो गई है। आई थिंक वो जो लास्ट मिनट जो नोट्स बनाओ, लास्ट मिनट दूसरे को सिखाओ, इससे मैंने देखा है कि आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, अब ये सक्सेस का डेफिनेशन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हमेशा रहता है, बट आई थिंक लेट्स से मोस्ट हैप्पी पीपल एंड आई थिंक मोस्ट पीपल हु फील फुलफिल्ड, वो लोग वो रहते हैं जो कंटिन्यूसली उनको पता है उनको क्या चाहिए, और उनको है ना वो कर चीज करने से पहले ही पता चल जाता है यार ये तो शायद हो जाएगा। Exactly. मतलब मेरे पास जो जो कंट्रोल में, यानी इंटरव्यू, एग्जाम का राइटिंग, स्पीड, मेमोरी, ये सब मेरे कंट्रोल में, वो तो उस पर ऑलरेडी मास्टरी करके रखे हुए थे। सो आई थिंक ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की जो बात है ना, ये हमको बहुत स्ट्रांगली इसको अटैक करना पड़ेगा जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, और आई थिंक मुझसे भी जो पूछते हैं, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, यू कैनॉट विन अ बैटल जस्ट अ डे बिफोर, इट्स यू कैनॉट विन अ बैटल जस्ट अ डे बिफोर, इनफैक्ट लेट्स से यू इवन विन अ बैटल अ डे बिफोर, यू कैनॉट विन अ वॉर a day before, you have to plan, you have to prepare your troops. It is like wo wali 300 movies thi na yaar, unka naam kya tha, I think Spartans yaar, wo Spartans aise ek hi din mein protein shake kha ke thodi na wo pahunch gaye wahan pe, last mein main protein shake kha ke jai mata di bol ke hum log chalenge, aisa to nahi tha, I think wo log ne bachpan se practice kari and they knew they will win, right. That is why 300 of them were so confident enough to go and fight any battle, so ye bahut zaruri hai। तो ये चीज जो है मुझे कंप्लीट करनी थी। अब तुम्हारे तेरे क्वेश्चन पे आता हूँ, वो मेमोरी जो टीसीएस वाली थी यार, टीसीएस वाला था वो डेफिनेटली थोड़ा वो था कि फ्रेशर्स का टैग निकालने वाली बात थी, आई थिंक डेफिनेटली वो बहुत जरूरी हो जाता है कि सिस्टम ऐसा है कि फ्रेशर को थोड़ा वैल्यू कम है, तो फ्रेशर का टैग निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कैंपस में तो अपनी आई नहीं, ठीक है, हमने सारे हाथ पैर मार लिए, कैंपस में तो अपनी आई नहीं, तो कोई नहीं, मतलब टीसीएस नहीं आ पाई, बिकॉज आई थिंक टीसीएस नहीं आ पाई और काफी सेंसिबल भी था, नया कॉलेज था अपना, ज्यादा जूना नहीं था, तो आई थिंक टीसीएस नहीं आ पाई, बट पूल कैंपस हुआ, पूल कैंपस के थ्रू फिर मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा यार अपने को तो नहीं मिलने वाला है भाई, मतलब क्या है, मतलब जाके देखते हैं, मैंने ये सोचा कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, फेल हुआ तो टीसीएस में फेल होऊंगा ना, कल को जाके बॉश मर्सिडीज कंपनी आई तो यार वहां पे जाके फेल होऊंगा तो ज्यादा तकलीफ होगी, तो टीसीएस तो मेरी ड्रीम कंपनी नहीं थी।
तो फिर भी मैं गया, और आई थिंक वो प्रोसेस ऐसा होते गया ना, आई थिंक उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग बनाया उसको, इतना इंट्यूटिव बनाया, उन्होंने ना मेरी कोडिंग स्किल्स पे कभी पूछा ही नहीं क्वेश्चन. उन्होंने मुझे एज अ पर्सन, क्या हो तुम, व्हाट इज योर लाइक्स, व्हाट आर योर डिसलाइक्स, व्हाट इज योर एम्बिशन, हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, लेट्स से आई गिव यू अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू मेक अ डिसीजन, उस पे उन्होंने वो किया यार. वो क्या बोलते हैं, ट्रेन हम आपको करेंगे, हमको सिर्फ आपको ये देखना है कि आप ट्रेन करने के लिए कोचेबल हो या नहीं हो, इसलिए हम सिलेक्ट हो गए. आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज टू मी, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वेयर आई गॉट टू नो व्हाट इंडियन कंपनीज थिंक. आई थिंक इंडियन कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बीडब्ल्यू स्कोर या मैकेनिक स्कोर, बट दैट डजंट मीन आप उस पर स्कोर ना करो, बिकॉज उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस लॉजिकल लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बीडब्ल्यू के पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, मैकेनिक्स के पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट्स द लर्निंग. And more than that, I remember वो कुछ criteria होते हैं 60% का, right? हाँ यार. You know, clear कर पाया इसलिए जा पाया, right? And I agree with that. And what you talked about planning, that is very important. मुझे पता था, I was not overconfident कि मुझे job मिलेगा ये, but I knew कि मैंने रात में ना, I'll just tell you one thing कि मुझे पता था कि interview में ना हर एक जन अपना नाम बोलता है, ठीक है? मैंने पिछले रात को ही ऐसा plan कर लिया था कि जब भी मुझे नाम, पहला तो नाम पूछेंगे या फिर नाम बोलेंगे, मैंने मेरा नाम उल्टा बोला. कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंडली जो लाइफ स्किल बिकॉज ऑफ विच यू गॉटन इन ऑफर लेटर फ्रॉम टीसीएस गयानीबाद में फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार सिर्फ अगर पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे करना नहीं यार, अगर 60% का क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो कोई दरवाजे पे भी खड़ा नहीं करेगा. बट आफ्टर दैट इट इज ओनली अ क्राइटेरिया टू एंटर द डोर, दैट विल नॉट कीप यू इन द कंपनी और कीप यू इन द इंटरव्यू, राइट? सो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये लाइफ का स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, टीम को लीड करना, ये सब किताबें पढ़ के नहीं डेवलप होते. हाँ, इंफॉर्मेशन मिलेगा बट आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा, वो सिर्फ एक्सपीरियंस होगा, राइट? सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से इंसिडेंट अबाउट बोथ ऑफ अस रिगार्डिंग द इंटरव्यू. हर्ष, दैट वाज अ वेरी गुड इनसाइट अबाउट यू नो मेनी डिफरेंट स्किल्स, लाइक यू नो लर्निंग अबाउट पर्सनल स्किल्स, क्योंकि वो किताबों से नहीं सीख सकते. जो भी आपका एजुकेशन है, राइट, दैट कैन टेक यू टू द डोर ऑफ अ कंपनी, बट इन ऑर्डर टू गेट इन टू अ कंपनी और बी देयर इन द कंपनी, आपको ये सारे स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? यस, दैट्स द मैसेज आई थिंक वी बोथ कैन गिव टू आवर व्यूअर्स, राइट? नो, सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे याद है कि हम जब भी पास आउट हो रहे थे तो बहुत सारे जो कंपनीज आ रहे थे या फिर जो जॉब ऑफर कर रहे थे, देवर ऑफरिंग सेल्स इंजीनियरिंग का जॉब, राइट? या फिर सर्विस इंजीनियरिंग करके लेबल करते थे, बट बहुत टाइम सेल्स का जॉब होता था, शुरुआत वहां से करनी पड़ती थी. तो इन जनरल तुझे क्या लगता है कि ये सेल्स का जॉब हैज अ प्रेशर, इंजीनियर को जाना चाहिए या यार या फिर कुछ और ढूंढते रहना चाहिए, सेल्स कभी नहीं करना चाहिए, क्या होगा? बहुत सही क्वेश्चन है. और आई थिंक फॉर जस्ट फॉर आर व्यूअर्स मैं बता दूं, मेरे को और आकाश को, जहाँ पे आकाश ने सावंत आकाश बोला था, वो हम दोनों को साथ ही में जॉब लगा था, और हमारे साथ और एक बंदे को जॉब लगा था. सो वो टेक्निकल सेल्स का जॉब था, राइट आकाश? और हमारी पहली सैलरी अगर मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, आई थिंक 8000 थी, 8000 पर मंथ सैलरी थी. तो ये कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, आई थिंक. और मुझे वो भी याद है कि हम वो कंपनी में गए थे, कंपनी का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, पर वो हम कंपनी में गए थे और हमारे को कंपनी में जाके हमको पूछा गया कि आप खुश हो गया सैलरी से, और हम इतने डरे हुए थे, हम इतना सोचे हुए थे कि अरे. और ये वो बात है जब मेरे को TCS नहीं मिला था, हमको कोई और जॉब ऑफर नहीं था, दिस वाज द फर्स्ट कैंपस इंटरव्यू, और हम तीन लोग सिलेक्ट हुए थे. एक ने तो ऑलरेडी मन बना लिया था कि बिकॉज सेल्स है तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा. हम दोनों वेयर लाइक यहाँ हम जाएंगे, हम दोनों ये पूरी कंपनी को बेच के आएंगे, मतलब हमने तो ऐसा सोच लिया था. तो ये सेल्स पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, बिकॉज द मोमेंट वी वेंट ओवर देयर, यू नो व्हाट रियली हैपेंड, वी वेर डायरेक्टली सेंट टू गेट इंटरव्यूड विद द CEO. छोटी कंपनी थी, 50 और 100 लोगों की कंपनी थी, बट वो कोई छोटी कंपनी नहीं होती. आज भी 50 और 100 लोगों की कंपनी इज अ, ओनली बिकॉज वी वेर इन सेल्स वी वेर अलाउड टू स्पीक डायरेक्टली टू द ओनर ऑफ द कंपनी. आई थिंक ये कोई टेक्निकल प्रोफाइल होता ना, कैड डिजाइन वाला या फिर आपका क्वालिटी अश्योरेंस वाला, मैं मैकेनिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ. अगर आप अलग इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल ब्रांच में भी लो, अगर आप एक सर्वेयर करके जाते हो या एक डिजाइनर करके जाते हो या आप कोई असिस्टेंट कॉस्ट इंजीनियर करके जाते हो, जो भी, इफ ऑन 50 to 100 के स्केल पे जो कंपनी होती है एम्प्लॉयज की, आप बहुत रेयर है कि आप जाके उधर MD से मिलो.
मेरा मेरा टीसीएस में द हाईएस्ट लेवल आई स्पोक टू वाज अ मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर लेवल का, आई नेवर स्पोक टू रतन टाटा, राइट। पर अगर 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 आप ये सोचो कि सेल्स में अगर मैं होता ना, तो मैं वहां के रीजनल मैनेजर या रीजनल डायरेक्टर या इंडिया हेड से मैं जरूर इंटरव्यू होता। सो इस सेल्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो लोग हमेशा जान के भी अनजान बनते हैं, कि आई थिंक द एक्सपोजर दैट यू गेट राइट टिल द टॉप, बिकॉज यू आर कॉल्ड द ब्लू आइड गाइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिकॉज यू ब्रिंग द मनी, ठीक है। आप अगर आप, मैंने फाइनेंस में भी मैंने सीखा है, एंड यू हैव आल्सो लर्न, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला कॉलम रो क्या होता है, रेवेन्यूज। अगर रेवेन्यूज नहीं है तो आप प्रॉफिट तक नीचे पहुंचोगे ही नहीं। तो रेवेन्यूज कौन लेके आता है, सेल्स टीम लेके आती है, मार्केटिंग टीम भी नहीं लेके आती, आई थिंक सेल्स टीम लेके आती है। तो योर क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट, और मुंबई जैसे सिटी में, वेयर सिटी ऑफ ड्रीम्स है, इतनी पॉपुलेशन है, हमारा मार्केट डेप्थ इतना है, तो हमको सेल्स से करियर स्टार्ट करना सबसे ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो आई थिंक मैं सभी को ये बोलूंगा कि इररिस्पेक्टिव, इवन इफ यू डोंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, स्टार्ट, बिकॉज यू विल गेट एन एक्सपोजर। डू इट फॉर वन ईयर लाइक द वे यू डिड इट। आई डिड नॉट चूज दैट कंपनी बिकॉज लकीली आई गॉट अनदर ऑफर विच वॉज पार्टली सेल्स एंड पार्टली प्रोडक्शन, बट मैंने फिर क्या, और मेरे को घर के पास था, आई थिंक वो डिस्टेंस, वो दूसरे मैटर्स आ जाते हैं, बट इफ यू आर डूइंग अ सिमिलर सेल्स जॉब, मैं भी जाता था, मैंने भी ट्रैवल किया है, वी यूज्ड टू गो, यू नो, वी यूज्ड टू आस्क फॉर कोटेशंस, वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, यू ऑल्सो वेंट, यू ऑल्सो, यू विजिटेड, अरे यार हमने पूरे इंजीनियरिंग में कोई बड़े बड़े प्लांट्स नहीं देख पाए हम लोग, रेयरली हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट्स में जाते थे, तो हार्डली हमको कुछ दिखता था। जब हम सेल्स में थे, हम अंदर अंदर घुस घुस के कहां पे हम लोग साइट्स देखने के लिए गए, मुंबई छोड़ मुंबई के बाहर भी, यू रिमेम्बर, यू हैव गॉन टू, यू हैव ट्रैवल्ड प्लेसेस यार, हाँ, फिर तो वो नहीं देखने को मिलेगा जस्ट इफ यू आर एन डिजाइन इंजीनियर। अच्छा, अब लोग सोचते हैं कि यार डिजाइन इंजीनियर बड़ा सैवी जॉब है, टेक्निकल कोई रोल लेंगे तो बड़ा सैवी जॉब है, यार जॉब तो कोई भी अच्छा नहीं है और जॉब तो कोई भी बुरा नहीं है। Exactly. बात यह है कि आपको एक्सपोजर सबसे ज्यादा फास्ट कौन दे सकता है, तो वो है सेल्स। ठीक है, तो ये मेरा 100% रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो उसके ऊपर डोर शट मत करो, क्योंकि मे बी, एंड आई एम वेरी कॉशियस वाइल सेइंग दैट, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, मे बी यू विल एंड अप डूइंग सेल्स समडे और द अदर इन योर करियर इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई। मुझे हर्ष, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इवन बिफोर द आई गॉट इनटू जॉब, यू नो, मैंने खुद को भी एक तरीके से कन्विंस किया था कि यार दुनिया में हर एक चीज सेल्स का ही होता है। अगर तू प्रोडक्शन कर रहा है, यू हैव टू कन्विंस योर, यू नो, मैनेजर और समवन कि मेनी मेनी पार्ट। वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न थ्रू अ सेल इज कि मैंने ये एक मेरे फेसबुक के स्टेटस पे भी डाला था कि आई एम गेटिंग इनटू अ सेल्स जॉब, राइट, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मी एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज़ मुझे याद है, मैं सर्विस इंजीनियर की तरह भी काम कर रहा था, मैं प्रोडक्शन वालों के साथ भी काम कर रहा था, प्रोक्योरमेंट वालों के साथ भी मुझे काम करना था। एक टाइम पे तो हद हो गई जब भी उन्होंने मुझे बोला यार टैली सॉफ्टवेयर सीख ले। तो इससे मुझे एक चीज याद आ रही है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन शायद तेरे स्टूडेंट्स तुझे पूछते होंगे या तेरे कलीग्स तुझे पूछते होंगे, पर मुझे तो डेफिनेटली पूछा है, कौन सी कंपनी हमने लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी हमने छोड़नी चाहिए। भाई मेरा सबसे पहला ये जवाब है कि आपके पास अगर ऑप्शन है तो ये बात करो, अगर ऑप्शन नहीं है तो आई थिंक छोटी कंपनी पे जाके ना अपना माइंड सेट, अपने आप को छोटा मत करो। इट डजंट मेक यू स्मॉल इफ यू आर अटैच टू अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अमेजॉन वन डे वॉज अ वन रूम ऑफिस, इट वॉज अ वन रूम ऑफिस, एप्पल वॉज अ टू पीपल ऑफिस, ठीक है। सो उन्होंने भी कहीं छोटे से स्टार्ट किया, और एक्सपोजर मिलना कि यार फैक्स मशीन कैसे चलती है, जेरोक्स मशीन कैसे चलता है, कुरियर कैसे भेजते हैं, ठीक है, परचेस ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इनवॉइस कैसे बनाते हैं, यार इनवॉइस ये इंजीनियरिंग में नहीं सिखाते। प्रॉब्लम यही है कि आपको यही करना है, इंजीनियरिंग बनने के बाद भी आपको सिर्फ डिजाइन और मैकेनिकल वर्क नहीं करना, बिकॉज वो तो आप सब ऑटोमेशन हो चुका है, एवरीथिंग इज डन बाय मशीन। वेयर यू नीड टू डू इज, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आई कैन सेव मनी, where I can convince a client, where I can bring efficiency. और अगर आपको फैक्स मशीन नहीं भेजने को आ रही है, और आपको सामने आपका बॉस बोल रहा है भाई मुझे 12 बजे तक ये चार डॉक्यूमेंट कुरियर फैक्स कर दे, और आप बॉस को ये तो नहीं बोल सकते सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बट मुझे फैक्स मशीन चलाने नहीं आती, जेरोक्स तो चला लेता मैं, फैक्स मशीन नहीं आती। आप बताओ, आपने अगर को कुरिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करी होगी और आप टॉपर हो, ये पूरा आपका जो नॉलेज है वो लिटरली शायद वेस्ट हो जाए, बिकॉज योर इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द बॉस विल जस्ट गो अवे। Exactly. अच्छा हर्ष, तो हमने बहुत काफी बात की रिगार्डिंग आवर कॉलेज एंड रिगार्डिंग द जॉब प्लेसमेंट एंड करियर इन सेल्स, ठीक है।
आफ्टर आवर फर्स्ट जॉब मुझे पता है कि यू टुक अ डिसीजन दैट यू विल गो फॉर फर्दर स्टडीज राइट एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर यू आर वेरी वेल फोकस्ड कि तुझे एमबीए में ही जाना है यू डिडंट हैव टू गो यू डिडंट वांटेड टू गेट इनटू गेट तो ऐसा क्यों मतलब वाज इट बिकॉज ऑफ योर ओन प्रेफरेंस ऑफ बिकॉज ऑफ योर ओन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मैनेजमेंट बेस्ड ऑन योर ओन स्किल्स एंड एटीट्यूड और वॉज दिस की यू नो सम डिफरेंट रीजन मतलब मुझे ऐसा कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमबीए करके ज्यादा पैसा मिलता है कंपेयर टू गेट राइट सो क्या तेरे रीजंस क्या थे व्हेन यू हैड टू डिसाइड देख आकाश पहली बात तो आई थिंक हम दोनों एग्री करेंगे कि पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने में और करियर सेट करने में इनफैक्ट हमारे एज एन इंजीनियर लेट्स से टिपिकल इंजीनियर लाइक अस हमारे जैसे तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं या तो आप गेट दो या तो आप एमबीए करो या फॉरेन जाओ इसके अलावा ऑप्शन जो होता है वो आप जॉब करो तो जॉब का हमने डिस्कस कर लिया तो हम उस पर अलग से नहीं अब बात करेंगे बट आई थिंक ये तीन ऑप्शन है तो यू विल रिमेम्बर यार मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि आई थिंक यू शुड गो आउट आउट ऑफ इंडिया तो कहाँ जाएं तो मैकेनिकल इंजीनियर थे एवी साइकिल वगैरह के थोड़े स्टंट वगैरह किए थे हमने तो जर्मनी जाओ जर्मनी इज गुड जर्मनी में एजुकेशन भी फ्री है तो मैं लग गया जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए ते बोलो चलो यार सारी एनर्जी अब यहाँ पे डालते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने में डालते हैं जर्मन में नहीं हुआ बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने स्टार्टिंग से कभी उसके लिए सोचा नहीं था एडहॉक डिसीजन था लास्ट मिनट डिसीजन था मेरे पास वो रिक्विजिट ट्रेड्स नहीं थे या सर्टिफिकेट्स नहीं थे या मेरे पास रिक्विजिट प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं कुछ एग्जाम्स को क्रैक कर सकूं तो मेरे जर्मन को मैंने साइड में रख लिया दूसरी बात ये भी थी कि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं था यार मैंने सोचा उसके पहले भी और क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं तो मैंने गेट के ऊपर फोकस किया अब इसका रीजन क्या है आपका पीयर ग्रुप अब ये जो पीयर ग्रुप है ना आकाश ये बहुत मैटर करता है अभी हमारे मेरे जितने भी पीयर ग्रुप थे इफ यू रिमेम्बर मनीष हो संतोष हो गोविंद हो आई थिंक ये सारे के सारे जो नाम है अभी मैं ले रहा हूँ आई थिंक दे वर ऑल फोकस इनटू गेट और मैंने एक बार तुझे भी कन्विंस कर लिया था कि भाई गेट दे दे ठीक है तो हम साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली थी हमने बुक्स भी शेयर कर ली थी लाइब्रेरी से बुक उठा ली थी हमने गेट दिया गेट देने के बाद ना यार फिर मुझे लगा कि वो एग्जाम का जो रिजल्ट आया ना वो रिजल्ट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग और मैंने तैयारी करी थी मैं लास्ट मिनट वाला बंदा नहीं हूँ मैंने तैयारी काफी अच्छे से करी थी रिजल्ट वाज आई वाज जस्ट पास्ड फिर मुझे पता चला कि जिस एग्जाम में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं कर पा रहा हूं ना देन आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर दिस एग्जाम इवन आफ्टर अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट हार्ड वर्क वेट वर्क तो हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और 5-6% ज्यादा आ जाते थे आई विल टेल यू माय स्कोर द पासिंग वाज अराउंड 22 आई गॉट 26 ठीक है दिस इज स्कोर्स एब्सोल्यूट स्कोर्स आउट ऑफ 100 And your passing was 22. That 22 nahi hua, so you will not get admission. 22 ke baad, you will get admission, but not into IITs and NITs. Right. So, mujhe shayad kahin dusre jagah jana padta padhne ke liye. Fir mujhe pata chala, yaar, mere to technical skills matlab nahi hai. To meri skills hai kahan pe? To yahan pe main thoda sa connect karunga, thoda sa flashback mein jaunga. FA cycle jab kiya na, to meri team mein mera role kya tha pata? I was like a marketing guy. Mera kaam kya tha pata? Sponsorships leke aao. Mera kaam kya tha? Presentations do. कॉस्ट रिपोर्ट बना के बताओ जब जब ये आते थे ना तो सारा का सारा काम हमारी दूसरी टीम ने किया था इनफैक्ट मेरे जूनियर्स ने किया था टेक्निकल काम रिपोर्ट्स वो लोग ने बनाए थे रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना और Q&A हैंडल करना मैंने किया बिकॉज अपने को बोलने को जमता था ठीक है तो स्ट्रक्चर्ड थॉट था आंसर कर पाते थे इमीडिएटली आंसर कर पाते थे कॉन्फिडेंस था बहुत कि नहीं बाबा कर लेंगे कुछ ना कुछ तो और डर नहीं था बिल्कुल ठीक है तो फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स गिव इट अदर ट्राई और अपना जो जॉब प्रोफाइल भी चल रहा था उसमें दो चीज आई एक तो यार मेरा बॉस भी मुझे फीडबैक ये दे रहा है हर्ष यार तेरे को तो वेल्डिंग करने को आता नहीं है तेरे को ढंग से डिजाइन बनाने को नहीं आता है बट तू क्लाइंट के साथ मस्त बात कर लेता है यार ऑर्डर अच्छे लेके आ जाता है क्लैरिटी तेरे को बहुत है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस तेरे को बहुत दूसरी बात पैसे के जब बारे में मैंने देखा तो मैंने कुछ सीनियर से बात किया जो एमटेक वगैरह कर रहे थे कितना पगार नॉट टू डिमीन देम बट देयर सैलरी वॉज नॉट दैट I would have really liked. Right. They might be happy with it. I thought I am not very happy. ठीक है तो फिर मैंने बोला आप क्या ऑप्शन बचता है बाहर तो जाने से रहे जी में जी अपना गेट भी क्लियर क्रैक नहीं हो रहा है ठीक नहीं हो रहा वापिस मुझे देना नहीं है फिर एक ही ऑप्शन बचा भाई अब दो MBA के एग्जाम तो मैंने उसमें उस हिसाब से मैंने MBA और मेरे को मैं बताता हूँ मैं बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट आई डोंट नो हैव शेयर्ड विद यू मैंने मिडल ऑफ द जॉब एक दो दिन छुट्टी ली मैंने इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मैंने जस्ट ओपन किया कैट का फॉर्म विम भरने से पहले मैंने मॉक टेस्ट दी स्कोर आया मेरा अच्छा खासा लगभग 500 लोगों में मेरा परसेंटाइल था 88 सो आई वाज 88 अमंग्स
88% अमंग 500 पीपल, यानी मैं लगभग 100 टॉप 100 में था, 12% पीछे था, 12% लोगों से पीछे था, यानी टॉप 100 में मैं आ गया था। सही है यार, बिना प्रिपरेशन में इतना कर सकता हूँ, गेट से अच्छा स्कोर है। तो फिर मैंने बोला, फिर मैंने एक दो लोगों को फोन घुमाया, जो ऐसे लोग थे ना जो लोग ने जिंदगी में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया, वैसे लोगों को फोन घुमाया। जैसे मैं हमेशा तेरे को फोन करता हूँ कभी भी ऐसे को डिसीजन लेने होंगे, तो उन्होंने बोला यार बिंदास जा, तेरे को गट कन्विक्शन है तो कर उसको। और उस वजह से फिर मैंने बोला कि आप सारी एनर्जी आप इसमें डालो एमबीए में। वहां से एमबीए की जर्नी स्टार्ट हुई। गॉट एन एमबीए, गेट गॉट इनटू एमबीए, राइट? सो तेरा एमबीए का स्कोर क्या था और कौन से कॉलेज में मिला तेरे को एडमिशन? एमबीए में यार एग्जाम्स वगैरह जो है ना उसके बारे में भी अगर सिर्फ एक मिनट में बताऊं तो आई थिंक कैट, एनमैट, नरसी मुंजी की होती है, स्नैप, सिम्बोसिस की होती है, जीमैट बोलते हैं उसको, एक्समैट बोलते हैं, जो जेवियर्स कॉलेज की होती है। फिर ये सारी एग्जाम्स दी, सब में मैं ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर नहीं कर पाया। मेरा कैट का स्कोर वॉज 88%, ठीक है, बट सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं उसमें, तो मैं उसमें कर नहीं पाया था। एक बहुत अच्छी बात ये थी कि एक कॉलेज है बहुत रेप्यूटेड कॉलेज, वो कॉलेज का नाम है एस पी जैन, इज टाउटेड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस विद इन इंडिया, ठीक है। उसका उसमें मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया, बट आई वॉज नॉट एलिजिबल बिकॉज माई कैट जैट स्कोर वॉज नॉट गुड। प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया बिकॉज मैंने जो उनके क्वेश्चन के आंसर दिए थे फॉर्म में, 10 पेज का फॉर्म होता है, उसमें मैंने अच्छे आंसर दिए, बट आई वॉज नॉट एलिजिबल बिकॉज वो बोलते ना गेट, मतलब जो एंट्री पॉइंट होता है कैट का रिजल्ट, इतना 90% ले वही नहीं हुआ। मैंने सीटी दी लास्ट एग्जाम, माई लास्ट अटेम्प्ट, माई बेस्ट शॉट, एंड माई स्कोर वॉज 99.5%, मतलब मेरा रैंक था ऑल ओवर महाराष्ट्र, मेरा लगभग रैंक था टॉप 230 या 234 में मेरा था, लगभग 1,00,000 लोग देते हैं वो एग्जाम, उसमें से मेरा टॉप 234 या 233 रैंक था। तो समझ लेके कॉम्पिटिशन क्या होती है गाइस। एक जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नोटिस करनी चाहिए, ही वाज जस्ट अवे फ्रॉम 100 परसेंटाइल बाय 0.5%, राइट? करेक्ट हर्ष? एंड दिस इज 0.5%, देयर वर 200 पीपल, एम आई राइट? एज़ पर योर टीम, यस। सो गाइस इमेजिन करना कि पॉइंट लाइफ में ना यार 0.1-0.2% का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है जैसे जैसे आगे जाते हैं, और ये आप एक दिन में नहीं लेके आ सकते, राइट? एक दिन में जैसे हम लोग बात करें कि यार कल को उठा मैंने डिसाइड कर लिया मुझे क्रैक करना है, नहीं होने वाला है गाइस। हर रोज जो आप एफर्ट डाल रहे हो ना, आपका कैरेक्टर, आपका हैबिट बिल्ड करेगा, और कहीं ना कहीं पे जाके ना वो आपको वैसा रिजल्ट देके आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, प्लीज नोटिस कर लेना। सो इट वाज अ वेरी गुड। अच्छा, आपके कॉलेज के बारे में बताओ, आप कौन से कॉलेज में गए, आपके वहाँ पे चैलेंजेस क्या थे एज एन इंजीनियर टू डू एन एमबीए, व्हाट वाज द चैलेंजेस एंड इन व्हाट ट्रेड डिड यू गॉट इनटू एन एमबीए? तो अब लगभग अगर ऐसा स्टोरी अगर सबको क्लियर हो जाए, तो जैसे हमने 4 साल इंजीनियरिंग किया, लगभग 10-11 महीने मैंने जॉब किया, आई थिंक वो जॉब भी एज अ टेक्नो कमर्शियल मैंने जॉब किया, उसमें थोड़ा सा परचेजिंग सेल्स वगैरह सब मैंने तो किया था। फिर ये एमबीए में हुआ, तो जॉब करते करते मैंने क्या किया था, मैंने एक डील क्रैक करी अपने कंपनी से, अपने बॉस से, कि बॉस देखो मैं जो एरिया में रहता हूँ वहाँ पे फ्राइडे को शट डाउन रहता है, और मैंने उनको बोला कि मैं रादर देन 6 डेज वर्क मैं 5 डेज ओवर वर्क करूंगा, ठीक है। तो सैटरडे को हमको ऑफ होता था, फ्राइडे तो मैंने फ्राइडे को शट डाउन रहता था, फिर भी हमको जाना पड़ता था, पर मैंने क्या डील क्रैक करी कि मेरे को आप फ्राइडे सैटरडे तो ऑफ रहता ही था, और संडे भी मुझे एक छुट्टी दे दो, ठीक है, तो मुझे 3 दिन आप ऑफ दे दो, और कोई कोई फ्राइडेज को मैं फील्ड विजिट चाहिए तो मैं कर लूंगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे तो ऑफ होता है बट बाकी सब जगह चालू रहता है। तो मैंने सबको डील क्रैक करके मैंने उनको बोला यार लेट मी स्टडी, एंड आई यूज टू स्टडी फॉर 4-5 months, मैंने स्टडी किया जॉब करते करते, ऑल्दो सैलरी वगैरह सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए एमबीए का डिसीजन लिया है, मुझे पता चल गया 10-12 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब फिर 99.5 आ गया सीटी में, ये एग्जाम हुई थी मार्च में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मार्च, आई थिंक वी पास्ड आउट इन जून जुलाई 2014, 2015 मार्च में रिजल्ट आया, और सिडनम कॉलेज मैं फिर मेरे को एडमिशन मिला, इससे थोड़ा ज्यादा परसेंटाइल आता ना, द मोमेंट यू सेट मेरा उससे अच्छा कॉलेज एक था जमनालाल बजाज, उसमें शायद हो जाता, बोल नहीं सकते, कॉलेज कॉलेज है, मेरे को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, बट मैं सिडनम में चला गया, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट यू नो लकीएस्ट डिसीजन या बेस्ट डिसीजन। जाते ही कॉलेज में मेरी गेम चेंज हो गई यार, मतलब मैं आपको तुमको बताता हूँ, मैं कॉलेज स्टार्टेड, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, 1-1.5 महीना थोड़ा वेकेशन टाइम एंजॉय किया, बट मैंने फिर टीचिंग भी स्टार्ट करी, आई यूज टू टीच फॉर माई पॉकेट मनी, क्योंकि आलस आ गया ना एक बार, लिथार्जी आ गई ना, तो फिर एमबीए में आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैंने टीचिंग चालू करी, ऑनलाइन कोर्सेज करे,
जुलाई के आसपास मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ एमबीए का, और यू विल नॉट बिलीव, मैं डोम्बिली से चर्चगेट सुबह 5:30 बजे उठ के जाता था, और ये ऑन रिकॉर्ड है भाई, मतलब हमारा लेक्चर स्टार्ट होते थे 8 बजे. अच्छा. फॉर 2.5 मंथ्स वेयर लेक्चर्स यूज्ड टू स्टार्ट एट 8 AM एंड इट यूज्ड टू एंड 9 PM रात को. ओके. तो आप ये सोच ले यार, जो मैंने सोचा था इंजीनियरिंग में जाने के बाद मेरी फट गई है, तो एमबीए में जाने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं था फटने के लिए, अब ऐसी हालत हो गई. तो सो दैट वाज अ टर्मोइल. एंड डोम्बिवली से चर्च गेट, बिकॉज मुझे वहां पे हॉस्टल ने मना कर दिया रहने के लिए, और अपनी इतनी औकात नहीं थी कि चर्च गेट के आसपास हॉस्टल ले लो या घर ले लो या पीजी ले लो. तो ये था पार्ट ए. अभी तेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई कि हमने क्या सीखा, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था यार. तो मैंने तुझसे ही देखा है कि आई थिंक यू ऑलरेडी गेव मी अ हेड्स अप कि एमबीए के डेज हर्ष तेरे लिए इजी नहीं रहने वाले. बट 2.5 से 3 महीना काफी डिफिकल्ट था, उसके बाद बहुत स्मूथ था. मैं तुझे बोलूंगा कि बहुत स्मूथ था. मुझे लगता है इसका रीजन ये था कि बिकॉज द वर्स्ट वॉज गॉन थ्रू, और उसके बाद जो था ना, हमको सब एज अ बोलते ना बच्चों का खेल लगने लगा था. अरे 6 घंटा ऐसे ही बैठे, जब 12-12 घंटे बैठे हैं तो 6 घंटे का लेक्चर बैठने में क्या जाता. तो वो तरीका आने लगा. दूसरी बात ऐसी है कि यार जो एक्सपोजर होता है, मैं तेरे को बताता हूँ एक इंसिडेंट. एमबीए कॉलेज में घुसने के बाद आपके काफी कमिटीज और काउंसिल्स रहते हैं, बिकॉज एमबीए स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस रहती है. तो जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं खड़ा हुआ, मेरा लिटरली रोस्ट हुआ है, पता है जैसे रोडीज में करते हैं ना रोस्ट. 180 लोगों ने मेरे बैच के और कुछ सीनियर्स लोगों ने मेरे को रोस्ट किया फॉर 30 मिनट्स, जस्ट टू चेक वेदर आई एम केपेबल इनफ टू हैंडल द क्राउड, टू आंसर देयर क्वेश्चंस, टू हैंडल अ केओस एंड टू मीट एक्सपेक्टेशंस. मेरी आवाज बैठ गई थी, थक गया था, मैं बैठ गया था, पर 30 मिनट्स तक वो पूरा चलता रहा. आई थिंक दैट एक्सपीरियंस दैट डे. और ये सब हुआ 10:30 बजे रात को. हाँ, ये इंटरव्यू चले 8 बजे के बाद, 10:30 को मेरा राउंड आया. वो यार तू याद रख, और हम सबको मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को, वो इमेजिन करो 180 लोग की बैच थी, 180 लोग वर रैगिंग मी फॉर 30 मिनट्स, एंड यू कैन नॉट क्राई, बिकॉज इफ यू क्राई यू लूज, यू गेट आउट. ठीक है, एंड इमेजिन आपकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, आपके गर्लफ्रेंड पे जा रहे हैं, आपके माँ बाप पे जा रहे हैं, आपके करियर पे जा रहे हैं, आपके हाइट पे जा रहे हैं, कलर पे जा रहे हैं, सब पे जा रहे हैं, बट यू हैव टू कीप योर पेशेंस. दैट इज एमबीए इन ब्रीफ. एंड देन यू नो फिर आपको क्यों 10 लाख का पैकेज मिलता है, क्यों 12 लाख का. मेरा स्टार्ट हुआ अच्छा खासा पैकेज मिल गया, आपको क्यों 10 लाख का पैकेज मिलता है. सो बढ़िया था. So in all, I think MBA is, you know, something, it was fine tuning hua. It was brutal, right? That brutal. Is what I'm learning. मतलब वहाँ पे दोस्त नहीं बनते, competitors बनते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो शायद, ठीक है कि, and definitely कुछ दोस्त बने होते, no doubt. But MBA एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे आप आपके future, अगर आप entrepreneur skills में believe करते हो या फिर वो journey, तो कहीं ना कहीं पे आपको आपके future partners भी वहाँ पे मिल जाते हैं, या फिर if may not that, if not that, I think आपको कुछ ऐसे तो लोग मिल जाएंगे जो कि आगे करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, और जिसका जो नेटवर्क बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पे MBA में ही हो जाता है. मतलब कल को जाके आपके बैच का कोई एक बंदा कहीं पे तो CEO है, या फिर किसी ब्रांच में रीजनल मैनेजर है, या फिर किसी अच्छे लेवल पे है, तो आपका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए बन जाता है बिकॉज यू डिड एन MBA एंड यू डिड इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, रिसेंटली एक एमबीए करने वाले स्टूडेंट ने अप्रोच किया एंड ही वाज गोइंग फॉर सम कॉलेज, एंड आई गेव हिम अ वेरी सिंपल ओपिनियन कि यार मेरे लिए एज इज एज अ आई रिमेम्बर मैंने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया था, एंड माय गोल वाज सिंपल टॉप 10, वरना नहीं करना है बस. तो मैंने उसको भी वही बोला, डू यू बिलीव दिस इज वैलिड कि यार एमबीए अगर आपको करना है ना, तो फोकस ओनली ऑन टॉप 10, बिकॉज नो डाउट द अदर कॉलेजेस माइट बी गुड एंड दे माइट बी गिविंग यू बेटर अपॉर्चुनिटीज, बट this was my intensity or my reason, and the main reason was ki wo top 10 colleges mein mujhe india ke top 10 jo crowd aane wala hai na, top 10% bolo aisa socho jo brilliant hai. Maine to itna bhi dekha tha ki ek ladki thi when I was preparing mba, she was topper right from the senior kg. matlab ek aisa nahi incident aisa hua nahi jahan pe wo top nahi mara tha usse. So aise logo ke sath agar main ko chance mile, it was not about education for me, never कि मैं फाइनेंस करूंगा या फिर मैं ऑपरेशन में जाऊंगा, बट इट वॉज लाइक यार ये लोगों के साथ खड़े रहना, इनके साथ इंटरेक्ट करना, दिस विल चेंज मी, दिस विल कम्प्लीटली चेंज मी, इट विल बी लाइक अ चैलेंज यार. अगर मैं लीडरशिप की बात करते हैं, राइट, अगर मेरे को इनको लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो पहली क्वेश्चन तो है मिलेंगी क्यों, जस्ट बिकॉज यू आर देयर एज योर फ्रेंड्स और एब्सोल्युटली, राइट. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ओवरऑल आई थिंक दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल शुड ओनली फोकस ऑन द टॉप 10 कॉलेजेस फॉर एमबीए. तुझे क्या लगता है, यू हैव द सेम फिलॉसफी, और यू थिंक कि नहीं यार थोड़ा टायर पीछे चले जाएंगे कॉलेज के, तू भी चल जाता एमबीए? नहीं यार,
ये तो कोई इंजीनियरिंग के लिए भी नहीं बोलेगा. देखो मैंने आई थिंक माय फिलोसफी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं तेरे को सिचुएशन अभी करंट की सिचुएशन बताता हूँ. आई थिंक अच्छा आपको लेवरेज तभी मिलेगा जब आप सही लोगों के पास रहो. आई थिंक मोर देन इनफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार आप कॉम्प्रोमाइज शायद कर सकते हो बिकॉज इंजीनियरिंग में तो भी बुक्स हैं. मैंने पूरे एमबीए में ना मैंने एक भी बुक को नहीं पढ़ा है. एक भी बुक मैंने कोई बुक कोई पढ़ा ही नहीं था. इनफैक्ट हमारी एग्जाम्स वगैरह भी ना ऑलमोस्ट ओपन बुक होती थी. मैं डिटेली तुझे बताता हूँ. कई बार एग्जाम ओपन बुक होती थी और एग्जाम्स में भी ना मतलब आई थिंक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे तो बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है. तो आई थिंक एमबीए इज अबाउट पीपल. इट इज अबाउट लोकेशन. इट इज अबाउट द ब्रांड. 35 इयर्स ओल्ड जूना ब्रांड था हमारा सिडनेम का चर्चगेट में. मेरे कॉलेज की जो गली थी उसके बाजू के गली में मुंबई यूनिवर्सिटी का डीन जो रहता था वो उसका ऑफिस था. उसके बाजू में वांकड़े स्टेडियम था ठीक है जहाँ पे इंडिया जो इंडिया और इनका वर्ल्ड कप हुआ आई थिंक वो उस टाइम पे और मेरे ख्याल इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था. तो तू देखता था वहाँ पे जो रौनक है 200 मीटर जाके मरीन ड्राइव था. सो ये लोकेशन ये कॉलेज का हमारे सीईओज यार बड़े बड़े कंपनीज के हमारे एलुमनाइज जो है बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ है. रेमंड उठा ले पोर्श उठा ले मर्सिडीज उठा ले ठीक है. तो ये सारे कंपनीज में वो लोग पहुंचे हुए. तो यू नीड दैट कनेक्शन. सो जॉब में जो फर्स्ट जॉब आप करते हो ना या इंजीनियरिंग करते हो या फर्स्ट जॉब करते हो उधर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो जैसे हमने सबने किया. आई थिंक वो करना जरूरी है बिकॉज आप सीखोगे नहीं. नहीं तो आप जब सेकेंड जॉब करते हो या मास्टर्स करने को जाते हो ठीक है मास्टर्स फिर आप दोबारा नहीं कर सकते राइट. योर सेकेंड जॉब इज 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 सेकेंड जॉब. अब फर्स्ट जॉब में हमने जैसा करना था कर लिया. उधर है ना अपना एक ब्रांड लेके जाओ. गो एज अ ब्रांड एंड एक्सट्रैक्ट द ब्रांड वैल्यू ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल बी इट अ कंपनी और बी इट अ कॉलेज. सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ओवर देयर. मेरी फिलोसफी बहुत सिंपल है. तूने तो टॉप 10 बोला मैं तो टॉप 5 में बिलीव करता हूँ. ठीक है अगर मुंबई के टॉप 5 करना है गूगल करो मुंबई के टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं वो पास नाम आ जाएंगे. अगर आपको उधर मिलता है तो ठीक है नहीं तो फिर सोचो कि वेयर यू आर गुड एट. जैसा मैंने गेट छोड़ दिया जैसा तूने एमबीए छोड़ दिया वैसा उनको ये छोड़ के कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा और बहुत जल्द सोचना पड़ेगा. एक्जेक्टली बिकॉज टाइम टाइम हैज यू सेड इज अ लिमिटेड कमोडिटी एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कमोडिटी इज वी डोंट नो हाउ मच वी आर हैविंग. यस अनलाइक अदर कमोडिटीज हमको पता है यार इतना है इतना एनर्जी होता है या फिर इतना सामान है. टाइम के बारे में नहीं बोल सकते नहीं पता है. इंटरेस्टिंग थिंग आफ्टर एमबीए आई एम श्योर आई नो दैट यू गॉट अ वेरी वेल प्लेस्ड जॉब राइट. प्रोक्योरमेंट में मिला राइट. इट वॉज अ कंसल्टिंग कंपनी हैज यू सेड इन द बिगिनिंग. तो जस्ट टेल मी अबाउट योर करंट जॉब प्रोफाइल कि अभी फिलहाल जॉब कैसा है. व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग एज अ इन डे टू डे एज एन इंजीनियर एज वेल एज एन पर्सन हु डिड एन एमबीए. नहीं ये बिल्कुल आई थिंक तुझे पता है तो अभी रिसेंटली मैंने लॉकडाउन चलते चलते जॉब चेंज कर लिया ठीक है. तो अभी फिलहाल तो मतलब जॉब चेंज करने के बाद स्टिल आई एम इन प्रोक्योरमेंट बट 3-3.5 साल कंसल्टिंग किया था. अभी भी सिमिलर रोल है बट कोई दूसरी कंपनी में. तो फंडा ऐसा है इसका कि प्रोक्योरमेंट क्यों लिया. तो आई थिंक एमबीए में भी ना एक बहुत सारी चीज एक मैंने जो आकर तुझे याद होगा कि नहीं होगा मैंने एक जो सेल्स का काम किया है बहुत और मैंने एमबीए में भी सेल्स किया. एक तो ने क्वेश्चन पूछा था शायद मैंने उसका आंसर नहीं दिया. मैंने स्पेशलाइजेशन सप्लाई चेन में किया था एमबीए में बट मैंने सेल्स को छोड़ा नहीं है. पता है मैंने 3 या 4 कंपनीज के लिए मैंने कंपनी के लिए ना खुर्चियां बेची है. फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स आई यूज टू कम टू घाटकोपर वेयर आई यूज टू मीट यू एंड फॉर 3-3.5 वीक्स ऑन 9,000 मंथ का स्टाइपेंड आई यूज टू सेल चेयर. और मैं तेरे सामने आके रोता था भाई मेरे को नहीं जम रहा है ये क्या करे. और तू मुझे बोलता था यार क्या प्रॉब्लम है कुर्सी तो बेच रहा है ठीक है. मतलब तू ऐसा सोच के किसी को आराम मिलेगा अच्छी कुर्सी बेचेगा तो. सो कुर्सियां बेची है 9,000 रुपए के इसमें. तो उससे क्या सीखने को मिला कि आप कुछ भी बेच सकते हो. फिर हमने घरों के जाके रजिस्ट्रेशन करे. मतलब मैंने लिटरली जैसे मैजिक ब्रिक होता है 99acres.com के साथ काम करके ये भी ये सब किया. उससे मुझे क्या पता चला कि यार मेरे स्किल्स कहाँ पे है. मैं ना ज्यादा बाइंग साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ रादर देन सेलिंग साइड में. पर ये तब पॉसिबल होगा जब आप किसी बायर को मिलोगे भी. Exactly. आपको प्रोक्योरमेंट अच्छा है या कैसे पता चलेगा जब आप कोई बायर से मिलोगे. और वो मैं कैसे मिला बिकॉज आई वॉज डूइंग सेल्स आई ऑल्सो मेट अ बायर समबडी हु वॉज बाइंग एंड देन आई रियलाइज इफ आई स्विच द चेयर्स इफ आई गो देयर विल आई बी गुड एंड देन आई रियलाइज यस आई एम वेरी गुड. फिर मैंने प्रोक्योरमेंट को चूज किया और फिर लिटरली मैंने 2-3 अच्छी कंपनी छोड़ी और फिर मैं ये कंपनी में घुसा प्रोक्योरमेंट में. और उसके बाद क्या है यार एक बार आप एमबीए करने के बाद आप मार्केट में उतरते हो ना इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट आईटी. इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस योर एनर्जी. एंड प्लीज रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग टाइम. आई डू नॉट बिलीव इन टाइम मैनेजमेंट. आई बिलीव इन एनर्जी मैनेजमेंट. इफ यू थिंक यू वांट टू गिव टाइम टू दिस इंटरव्यू
आई हैव टू कीप असाइड माय व्हाट्सएप, आई हैव टू यू नो सैक्रिफाइस ऑन अ मूवी, ठीक है, आई हैव टू डू दैट, बट अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं तेरे साथ आऊंगा, अगर मेरे लिए मेरी मॉम इंपॉर्टेंट है तो मैं उनके साथ बैठूंगा आधा घंटा, अगर मेरा क्लाइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं अपना आधा घंटा व्हाट्सएप छोड़ के मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठूंगा, मेरा प्रमोशन होगा, और इसके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल्स, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉजिक विजिक ज्यादा की जरूरत नहीं है, बेसिक डिसिप्लिन एज यू मेंशन, बेसिक कम्युनिकेशन और विल पावर होना चाहिए, और वो कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे मेरे क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है, और यही सब काम मैंने किया है, और वो जो 12-12 घंटे का जो स्टार्टिंग में जो टर्नओवर था ना, वो बहुत उसने बहुत हेल्प किया। सो मुझे ये पता चल रहा है लाइफ में मोस्टली मोर देन योर बुक्स, इंजीनियरिंग बुक्स है वो स्पेसिफिकली पे, बुक्स तो एमबीए में तूने पढ़े ही नहीं, तू खुद बोल रहा है। इंजीनियरिंग के बुक्स तो याद नहीं होंगे राइट, अभी मैं ये प्रोफेशन में हूँ तो मुझे याद है कि क्या सिखाते करके, बट व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू इज की यू हैड अ नॉलेज अबाउट इन्फॉर्मेशन, और आई वुड से नॉलेज अबाउट यू नो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, बट लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज कि तेरा स्किल कहीं और पे, राइट, यू शिफ्टेड टू दैट पार्ट, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू रियलाइज दैट बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट थिंग्स, तुमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऐसे टाइम पे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना फिजिबल था, दैट वॉज आफ्टर योर सेकेंड ईयर, राइट, क्योंकि तुमने खुद बोला कि जब भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा टफ टाइम पीरियड होता है, यू फोकस मोर ऑन यू नो योर प्राइमरी गोल ऑफ नॉट गेटिंग अ केटी, विच वॉज वेरी गुड आइडिया, और मैंने व्यूअर्स को स्टार्टिंग में बोला था ये बंदा सबसे प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल, मेरा इंसिडेंट तो अलग ही था, आई वॉज हैविंग टू केटीज इन एवरी सेमेस्टर, मतलब पहले का दो सेमेस्टर में का, दूसरे सेमेस्टर में फिर वहां का निकालो, फिर तीसरे में, तो ऐसा होता था, बट आई वॉज डूइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम एंड आई डिडंट प्लान अकॉर्डिंगली, बट यू शुड लिसन टू दिस पर्टिकुलर गाय। नाउ कमिंग टू फाइनल क्वेश्चन, तो हमने इंजीनियरिंग के बारे में बात करी, फर्स्ट जॉब के बारे में बात करी, आपके एमबीए के बारे में बात किया, एंड वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट योर करंट प्रोफाइल, राइट। द फाइनल क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू, अदर देन क्वेश्चन आई वुड से इट्स एन एडवाइस दैट आई वुड लाइक यू टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट ईयर, टू स्टूडेंट्स हु आर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, कि एक ही एडवाइस, कुछ ज्यादा ये नहीं देना है, सिर्फ एक एडवाइस जो फर्स्ट ईयर में जा रहा है बंदा, उसके लिए आप एक एडवाइस क्या दोगे, जो अभी जस्ट 12th ग्रेजुएट होके, सॉरी नॉट 12th पास आउट होके अभी जाएगा फर्स्ट ईयर। यार मेरा ऐसा एडवाइस है, आई थिंक फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तब आई थिंक आपने एक ऑलरेडी डिसीजन ले लिया इंजीनियरिंग करने का, डू नॉट रिग्रेट इट, डू नॉट यू नो थिंक आपका कॉलेज कैसा है, सिचुएशन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे जो भी एनवायरनमेंट है बेस्ट प्रोफेसर के साथ ट्रेन करो, अच्छे दोस्त बनाओ, जैसे मैंने तेरे साथ दोस्ती करी, तेरा प्रोफाइल देख के नहीं दोस्ती करी, तू होशियार है या डम है या तेरे को केटी लगी है, तेरा विजन देख के, तेरे बातें सुन के हम लोग ने दोस्ती करी, उस पर ध्यान दो और प्रैक्टिकली आप केटी मत लगने दो। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मेरा आई थिंक स्टूडेंट जो भी है उनके लिए ऐसा गोल है कि आई थिंक अभी आप प्रोफेशनल इसमें आ चुके हो, आई थिंक यू हैव टू मास्टर द सब्जेक्ट, सो आई थिंक एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर यू नो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड चैलेंज यू नो क्रिएट ग्रुप्स जहाँ पे आप बात कर सको, अगर यार मेरे को रॉकेट फेंकना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करो, जैसे एक्चुअली रॉकेट बनाने की कोशिश करो, एक्चुअली प्लेन्स बनाने की कोशिश करो, एक इंजन को तोड़ के एक मरोड़ के खोल के सब देखने की कोशिश करो, तो ये इस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हो, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, यू कैन रिलेट इट विद आईटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एज वेल। थर्ड ईयर के लिए आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा बड़ा ये एक्सपोजर, डू एज मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू कैन, बिकॉज दिस इज योर चांस टू डू इट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से आपके प्लेसमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, सो मेक फ्रेंड्स, मेक you know, but also focus on, do not just, I think library is the last thing that you want to go in third year, do not go to library, I think mera recommendation ye hai, jitna expose kar sakte ho na apne aapko, travel kar sakte ho because of projects, because of you know competitions etc, do that, take leadership roles, you know, put yourselves in positions where you're not comfortable, final year mein aake na I think prepare, groom yourselves, achhi shave, अगर आपका वो चश्मा है अगर तो अच्छे से चश्मा, बाल अगर आपके अच्छे से नहीं है तो बाल अच्छे, अगर आपका पेट निकल के आया है, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो उस लेवल की चीजों पे ध्यान दो, बिकॉज दिस इज योर चांस टू नाउ इम्प्रेस पीपल, ठीक है, ऑल्सो लीव सम पार्ट फॉर क्रिएटिंग मेमोरीज, लास्ट ईयर यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएटिंग मेमोरीज, डू नॉट गो टू अगेन लाइब्रेरी, बिलीव इन योर कॉन्फिडेंस बिकॉज यू ऑलरेडी नो द सब्जेक्ट, अगर आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अच्छा है तो आई डोंट थिंक आपको फर्स्ट क्लास आने से कोई रोकेगा इन फाइनल ईयर, सो आई एम pretty sure with that. Or finally, overall, I think in your last days na, या इन सभी चारों साल के बच्चों से मेरे एक ही जो मेरे को बहुत दिल से निकलता है और जो मैं अभी utilize करता हूँ और काश मैं शायद पहले अच्छे से कर पाता, in every problem that life gives you, every subject that you experience in you know in engineering, right. Try to understand why you are studying it. मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक सब्जेक्ट आकर तुझे याद होगा अपने को बहुत डिफिकल्ट जाता था, हम सारा गाली देते थे कि हम मैकेनिकल इंजीनियर्स को क्यों चाहिए,
मैं तुझे बताता हूँ, आज की डेट में मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे क्लाइंट से है कि आई शुड बिल्ड अ वीबीए या मैक्रोस, जो कि एक्सेल का एक पार्ट होता है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉजिक की. इफ ए गोज हियर देन बी गोज हियर देन आउटपुट विल बी दिस, ऑटोमेट करना है उनको पूरा की पूरा रिपोर्ट जो है ना, जो भी सेल्स, जो भी हिस्ट्री है, स्पेंड रिपोर्ट है, जो भी, उनको ऑटोमेट करना है. और मेरे को और मेरे बाजू वाले में अगर फर्क तभी आएगा कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने CP1 CP2 में मैं ध्यान दिया है, उसको समझा है, उसका लॉजिक को समझा है, उस पर मैंने फोकस किया. और वो लॉजिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोड्स, C++ जावा आई डोंट केयर, बट दैट लॉजिक, इफ ए गोज हियर देन बी गोज हियर एंड सी गोज हियर, कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट हियर. सब्जेक्ट विल नॉट हेल्प, बट द लॉजिक दैट आई स्टडीड ओवर देयर, द कॉन्सेप्ट दैट आई स्टडीड ओवर हियर इज गोना हेल्प मी ओवर हियर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो सब्जेक्ट इज यू नो समथिंग ऐसा, इसको छोड़ो यार, पढ़ो मत, वो नहीं करना चाहिए. हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली. वो पहले क्वेश्चन पूछो. यस. देन ट्राई टू आंसर एंड देन यू ट्राई टू लर्न एंड फोकस ऑन थिंग्स रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन मार्क्स. मार्क्स तो आ ही जाते हैं, इट्स लाइक अ बाय प्रोडक्ट, राइट? तो दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम योरसेल्फ, राइट? तो हरीश यार, बहुत मजा आया तेरे साथ बात करके वापस, ठीक है? नॉर्मली अभी टाइम नहीं मिलता है, यू नो, खुद बिजी होते हैं, बाकी के सारे काम होते हैं, बट एटलीस्ट इस रीजन के वजह से हमें वापस एक बार बात करने मिली बहुत अच्छे से. And we were actually more than that. I think we were able to recollect most of our memories, right? जो भी हम लोग ने, तो guys यही एक चीज है, जैसे हर्ष भी बोल रहा था कि memories create करो, अगर नहीं होती तो हम आज इस तरीके से शायद बात भी नहीं कर पाते. So I would like to thank you, Harsh, again from all the viewers of mine. You really added some really good, great values, and you gave some very good advice to my students, right? So guys, with this, I would like to end today's particular interview with Harsh Agarwal. इस बंदे ने FB का प्रोफाइल डिलीट कर दिया है, तो आप इसको मत ढूंढो वहां पे. इफ पॉसिबल मैं इसका लिंक्डइन का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन केस जरूर वांट टू कांटेक्ट हिम. और करो, व्हाई? बिकॉज़ इस बंदे का जाके लिंक्डइन पे नेटवर्क देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? तो यू पीपल ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग योर नेटवर्क इन टू द इंडस्ट्री राइट फ्रॉम राइट नाउ, राइट? एंड दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन, कि आप अभी से इंडस्ट्री में जो लोग बन रहे हैं, राइट, उनके साथ बातें करने का ट्राई करो. डोंट एक्सपेक्ट देयर टाइम, कोई आपको आने सामने से टाइम देने वाला नहीं है. आपने मैसेज डाला है, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर आपका कोई दोस्त नहीं, दीज आर प्रोफेशनल पीपल, वो उनके हिसाब से अगर उनको लगा तो आपको टाइम देंगे. सो आस्क समथिंग इंटरेस्टिंग, पूछने से पहले सोचो और फिर अच्छे से पूछो, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है? दे आर यू आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, एंड इट वुड बी अ फेवर इफ दे रिप्लाई, राइट? सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक हर्ष, राइट, फॉर हिज टाइम, ठीक है? With this, I would like to end today's session. Do watch this particular video. Do check out Harsh LinkedIn profile. And agar aapko bahut acha maza aaya rahega, to do consider sharing it with the other people. Right? Thank you. Great. Thanks, Akash. See you. Take care. Bye. Bye-bye.